अगर सेना भर्ती में भर्ती होने का जुनून हो तो मुश्किलें आपके आगे कितनी भी कड़ी से कड़ी क्यों ना आ जाएं, आपका हौसला नहीं तोड़ सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ही जांबाज के बारे में बताऊंगा कि माँ इस दुनिया में नहीं रही लेकिन वो हौसलों के आगे पस्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी माँ के सपने को पूरा किया और सेना भर्ती में आज एक अग्निवीर बन गए हैं। आज आपको मैं कहानी सुनाऊंगा जोधपुर की। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने YouTube चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड, जो आज की वीडियो है ये आप लोगों को जरूर मोटिवेट करेगी, उन लोगों को जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जिनके सामने कई चुनौतियां हैं, सबके सामने आती हैं, लेकिन आज इस जवान की आपको कहानी सुनाऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही आपको एक प्रेरणा भी मिलेगी कि मुश्किलें कितनी भी हो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करूंगा। दोस्तों आपने जोधपुर का एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट कांड सुना ही होगा जिसमें कि एक परिवार के कई लोगों की जान चली गई। उसी में हमारे एक कालू भाई हैं जो आज अग्निवीर बन गए हैं, उनकी माँ भी झुलसी और 70% झुलसने के बावजूद, मतलब वो अस्पताल में थी तो, और साथ ही इनका जो था 10 दिसंबर को उनके कागजात जमा कराए और 12 दिसंबर को उनकी दौड़ होनी थी, तो ये अपनी माँ को ऐसी कंडीशन में छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने बताया कि नहीं आप जाएं और आप अपनाओ करें, माँ की हालत बिल्कुल ठीक है। तो रिश्तेदारों ने उनको काफ़ी समझाया कि नहीं आप सेना भर्ती में जाओ और यहाँ पर हम ख्याल रखेंगे, और दुर्भाग्य देखिए कि जैसे वो सेना भर्ती में गए वैसे उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। उनकी स्वर्गीय माता जी को हमारी ओर से भी हार्दिक श्रद्धांजलि, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। और लेकिन उनके जज्बे को बदलते हैं कि उनके रिश्तेदारों ने बताया नहीं कि आपकी माँ का स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने उसको दौड़ने दिया। और जब वो दौड़े तो फिजिकल में, क्योंकि उनकी माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा भारतीय सेना में जाए और इंडियन आर्मी की ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहने, तो उस बच्चे ने अपनी पूरी, मतलब तन मन से उसने अपनी मेहनत अपनी जो करी थी उसको उस दिन ग्राउंड पे दिखाया और 100 के 100 नंबर लेके आया, और वो आज अंतिम रूप से चयनित होके भारतीय सेना में उसने अपना सिलेक्शन करवा लिया है। अग्निपथ योजना के थ्रू भर्ती होके वो आज भारतीय सेना में एक अग्निवीर बन गया है। तो ये जो एक कहानी है, जो एक प्रेरणा है उन तमाम लोगों के लिए है जिनका कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि आप दौड़ ही रहे हो सिर्फ भर्ती तो आई नहीं है, या आप भर्ती नहीं हो सकते हो। इस प्रकार आपको, मतलब चुनौतियों से हराने वाले, आपका मनोबल तोड़ने वाले आपको लाखों मिलेंगे, लेकिन ये घटनाक्रम जोधपुर का जो है, देखिए कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है एक बच्चे के लिए जिसकी माँ का ट्रीटमेंट चल रहा हो और उसकी दौड़ हो और उसकी दौड़ से ठीक पहले उनका स्वर्गवास हो जाए, और उसके बाद में भी उन्होंने अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करी और इंडियन आर्मी में अपना सिलेक्शन पक्का करवाया। तो आज ये जो कहानी थी छोटी सी, ये बताने का मतलब यही था कि आपके सामने जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आप ऐसा हो जाओगे, मतलब आपको लगेगा कि अब कहीं कोई रास्ता नहीं है, तब भी टूटना नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा रखना है, आप अपनी लाइफ में जरूर सफल होगे। इसलिए आज भी बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो अपने सपने को तोड़िए मत, सपना देखने के लिए होता है, क्योंकि सपना देखेंगे नहीं तो पूरा कैसे करेंगे, और जब आपके सपने पूरे होने वाले होते हैं उससे पहले असफलता या आपका मनोबल तोड़ने वाली चीज़ें काफ़ी आती है। हमेशा याद रखना, जब भी आपके जीवन में कठिनाई बहुत ज़्यादा आने वाली हो तो आपका सिलेक्शन या आपके पास में खुशियां बिल्कुल आप उनके नज़दीक खड़े हो, तो अपने आप को बिल्कुल तोड़े ना, अपने आप पे भरोसा रखें और सेना भर्ती के लिए अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत करें, आप सफल अवश्य होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।